आपकी पहले मुलाकात नहीं हुई होगी वो नाना जी से, तो आज आपको मुलाकात करवाएंगे। उनका जो एज है 90+ है, तो उनका बर्थडे मनाया जा रहा है, तो चलेंगे सभी लोग वहाँ पर, उनका आशीर्वाद भी लेंगे। तो फैमिली जी मम्मी के साथ पहुँच गए नाना जी के यहाँ, और तो सभी लोग जी यहाँ पर आ गए हैं, सारे गेस्ट लोग बस इंतजार है केक कट करने का, केक भी लग चुका है। और आशा करते हैं कि ये जन्मदिन हम लोग सेंचुरी देखना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आदरणीय पिताजी को प्रणाम करना चाहती हूँ। यत्र नारदेव पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रहते हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने स्नेह ब्लॉग में। तो जी अभी आए हुए हैं एक दुकान, ये अपना ले रही है सूट, हम लोग जाने वाले हैं पटना, कुछ शॉपिंग करनी है जैसा कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा। तो हम लोग जा रहे हैं, अपने एक साथ के क्रिएटर है उनसे भी मुलाकात करेंगे, और वहाँ पर जाने के बाद जो है फिर वहाँ भी चलेंगे, शॉपिंग भी होगी, बिल्कुल वहाँ भी शॉपिंग करनी है। अच्छा प्यारा है, तो जी आपको यही वाला पसंद आ रहा है, और भी बहुत सारा अच्छा अच्छा कलेक्शन है यहाँ पर, हमको तो ये वाला भी अच्छा लग रहा है, सबसे अच्छा यही लग रहा है। अच्छा, पसंद भी मुझे यही है। चलो ठीक है, तब जो पसंद है वही रख लो फिर। तो हम लोग जी वहाँ से सामान ले लिए हैं, और उसके बाद आ गए हैं एक और दुकान में, हम लोग ले रहे हैं गिफ्ट के लिए कुछ कपड़ा। तो नाना जी हैं, नाना जी के जन्मदिन में भी जाना है, आपकी पहली मुलाकात नहीं हुई होगी वो नाना जी से, तो आज आपको मुलाकात करवाएंगे। और उनका जो एज है 90+ है, तो उनका बर्थडे मनाया जा रहा है, तो चलेंगे सभी लोग वहाँ पर, उनका आशीर्वाद भी लेंगे। तो पहुंच गए जी घर, और इसके बाद जो है मम्मी यहाँ पर हो चुकी है तैयार, तो मम्मी को लेकर के चल रहे हैं, डैडी और जिया ये दोनों नहीं जा रहे हैं क्योंकि क्रियांश को लेकर के जो है यहाँ पर रहना पड़ेगा, और क्रियांश जो है अभी सो रहा है, कुछ देर बाद उठेगा तो तभी जरूर मचाएगा। तुम भी मफलर या कुछ ले लो, स्कार्फ रहता है लेकिन उड़ेगी तब ना। तो फैमिली जी मम्मी के साथ पहुँच गए नाना जी के यहाँ, और यहाँ जो है सब कुछ तैयार है, बस केक कुछ ही देर में कटने वाला है। तो जी पहुंच गए हैं बर्थडे पार्टी में, मम्मी उधर बैठी हुई है और केक सब भी तैयार है, और नाना जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, नाना जी से भी आप सभी को मिलवाएंगे, और नाना जी भी कुछ कहेंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे। तो सभी लोग जी यहाँ पर आ गए हैं, सारे गेस्ट लोग बस इंतजार है केक कट करने का, केक भी लग चुका है। तो हमारी दीदी और जीजा जी से मिली है। ये जो दीदी है हमारी स्कूल मेट भी थी, सीनियर थे, कितने साल, 3 साल सीनियर थे। आप लोग सासवत के नाम से जानते होंगे, हम लोग तो सोनू मोनू के नाम से जानते हैं। और यह हमारी जी बरखा दी, और यह इनके दो प्यारे से बच्चे, तो चला जाए केक कटिंग का कार्यक्रम शुरू किया जाए। ये देखिए इनका माइक है। अच्छा, सब इंस्ट्रक्शन होगा। हमारे दादाजी का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। तो जीजा जी नाना जी से भी इंट्रोडक्शन एक हो जाए। अच्छा ओके, हमारे दादाजी हैं और इनका आज बर्थडे सेलिब्रेशन किया जा रहा है, 90 इयर्स के ओल्ड हो गए हैं, लेकिन एज तो नंबर है सिर्फ, अभी भी ये तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, एकदम मस्त है। हाँ हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है इनको। आज के इस बर्थडे सेलिब्रेशन में उपस्थित हमारे परम पूज्य परम आदरणीय दादाजी श्री राम शरण प्रसाद जी, आदरणीय डॉक्टर सुदर्शन प्रसाद जी, आदरणीय फूफा जी हमारे श्री कैलाश किशोर दास जी, यहाँ उपस्थित सभी माताओं एवं बहनों भाभियों सभी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज सभी का मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि प्रोग्राम छोटा भी करना है, इसलिए माफी चाहूंगा। आज बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग सब एक साथ इस दादाजी के बर्थडे सेलिब्रेशन में उपस्थित हुए हैं, अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुदर्शन चाचा जी को बुलाना चाहूंगा कुछ अपने बोले। संयोग से हमारे सभी भाई बहन अतिथिगण सभी लोग मौजूद हैं, और हमारे पिताजी के जन्मतिथि के अवसर पर सब लोग
उनके पोता पोती, उनके नाती नतनी और पूरा परिवार ही उपस्थित है। ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिल पाता है और अभी 90 साल के करीब हो जा रहे हैं। हमारी शुभकामना है कि भगवान जी इनको बहुत लंबी आयु दे, कम से कम 100 तो पार कर ही दे और स्वस्थ चलते फिरते खुशी खुशी सब दिन जिंदगी गुजर जाए इनका। और यहाँ उपस्थित सारे लोग जो लोग हैं सब सबसे मिलने का सौभाग्य एक साथ सबके साथ प्राप्त हो गया है, बहुत बड़ी बात भगवान जी की दया। श्री सुनील कुमार प्रसाद जी से बुलाना चाहूंगा, वो भी अपना कुछ बोलेंगे। प्रसाद को एक ना परम आदरणीय पूज्य एवं यहाँ उपस्थित मेरे सभी भाई बहन एवं सभी अतिथि गण को मैं आज इन्हें अपार स्वागत करता हूँ और पिताजी के इस जन्मदिन दिन पर अपार हर्ष के साथ व्यक्त करता हूँ। हमारे दे माता पिता का मैं अपने आप को इस दुनिया में बहुत ही सफल इंसान इन मानता हूँ कि उन्हीं के पुण्य प्रताप से हमारे भी सभी बाल बच्चे पूर्णता आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब सारे साहब और सारे महिलाएं दुख के साथ रहते हैं, इसीलिए हमको इस बात का अनुभव है कि एक इतना ही योग्य एवं कर्मठ एवं कर्मशील आदमी है। इस जन्मदिन पर जो हम बधाई देते हैं सभी आदमी के साथ शुभकामना के साथ हमारे डॉक्टर साहब और इसके संबंध में जो भी कहें वो भी कम हो। धन्यवाद। आदरणीय आदर तो सर जन जन महिलाएं, हमारे पूज्य पिताजी, बड़े भाई बहन, पूरे परिवार के लोग, जीजाजी, आज मैं अपार खुशी महसूस कर रहा हूँ क्योंकि कल मैं काफी दुविधा में था क्योंकि मुझे जाति जनगणना में दिया गया था, काफी टेंशन था कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, काफी प्रेशर में था, सोचे लेकिन पिताजी से बार बात हो रही थी तो मुझे लगा अगर नहीं जा पाऊंगा तो पिताजी से नौकरी से ज्यादा पिताजी का महत्व है क्योंकि सबसे बड़े पिता होते हैं, अगर माता पृथ्वी है तो पिता आकाश है, इसलिए हम लोग ये जानना चाहिए, हम लोग कहते थे माती देव हुआ पृथ्वी देव हुआ आकाश देव हुआ, तो आज भूल रहे हैं पिता देवता क्यों है, पहले हमें समझना होगा पिता देवता क्यों है, जो हमारा संस्कार था संस्कार को अपनाना होगा, देवता वो होते हैं जो निस्वार्थ भावना से प्रदान करते हैं, पिता अपने सारे कष्ट सहकर बच्चे पर सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, अपनी खुशी नहीं देते हैं लेकिन मेरे बच्चे खुशी रहे ये देखते हैं। आज मुझे तो उस गर्व है उस पिता की जो मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोगों को ऐसा स्वभाव महसूस होता होगा, ये अपने अपने क्रांतिकारी पुरुष रहे हैं, उस जमाने में जिस जमाने में महिला पढ़ती नहीं थी उस जमाने में माँ को पढ़ा के एक उदाहरण पेश कर दिए है जिनके कारण काफी महिला आज पढ़ चुकी है, विभिन्न पदों पर जा चुकी है, तो मैं चाहूंगा एक नहीं मैं पिताजी ज्यादा से ज्यादा जिंदा रहे और सबको आशीर्वाद देते रहे क्योंकि 110 वर्ष 20 में जितना भी को जितना भी है पिता की छाया जितना बुका रहती है अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं क्योंकि इनका कहना है कि समय कम है, लेकिन मैं एक बार बता दूं आज हम लोग को सीखना है ये संस्कृत में श्लोक है अभिवादन शील शिला नित्यम विदो परसे विदा चतुआयिता संवर्धन से आयुर्विद्या सोबलम, जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने से बड़े का सेवा करता है सम्मान देता है उसके चार जी बढ़ते हैं, और पिता तो सबसे बड़े होते हैं, माता और पिता सबसे बड़े होते हैं, इसलिए इनका सम्मान करना चाहिए, सिर्फ कटनी करनी दिन दा धर्म नहीं पाखंड हुआ आचरण में होना चाहिए, आचरण में नहीं है तो सब बेकार है, जो भी करते हैं उनका आचरण होना चाहिए कि हमें उन्हें सीखना सीखे सब लोग को ज्ञान दे प्रेरणा दे। बहुत लोग बोल रहे चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जब्स के साथ मैं यहाँ उपस्थित हूँ अपने पिताजी के 19वां जन्मदिन पर,
मुझे उस दिन का याद आती है जिसमें मैं बच्चा था, मैं अकेले पिताजी के साथ धनबाद में रहा करता था। तब इनकी कर्मशीलता को देखकर मुझे लगता था कि प्रत्येक पिता को ही ऐसा होना चाहिए जो अपने बाल बच्चे को ध्यान दे। वो पिता क्या जो अपने बाल बच्चे को नहीं बना सके, जो पिता अपने बाल बच्चे को बना दे। और आज इस संबंध में हमारे पिताजी को लगता है कि बहुत कम लोग इनके तरह होंगे इस पृथ्वी पर। इसलिए मैं इनको बार बार चरण स्पर्श करता हूँ और बार बार इनसे आशीर्वाद लेता हूँ। मैं कोई भी कार्य करता हूँ अक्षरशः इनको बता देता हूँ कि पिताजी आज मैंने ऐसा किया, आज ऐसा किया। और इनसे मुझे हमेशा गाइडेंस मिलते रहता है। आज मैं जो भी हूँ इन्हीं के बदौलत हूँ। इसलिए मैं बार बार इनका चरण स्पर्श करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमेशा इनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। धन्यवाद। आदरणीय परमाननीय श्री उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष जी ये लाल जी पुराना चाहूंगा पूरा अपनी बातों वाले अपने मुझे आपात खुशी हो रही है कि आज इनके जन्मदिन में हम लोग सारे लोग शामिल हुए हैं और आशा करते हैं कि ये जन्मदिन हम लोग सेंचुरी देखना चाहते हैं। गार्जियन के तुल्य मेरे पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन अभी तक कोई आवश्यकता पड़ती है, कोई भी चीज की मुझे सुझाव लेना होता है तो सुझाव के रूप में, पिता के रूप में ये हमेशा मुझे सुझाव देते रहते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है इनके 6 बच्चे हैं, 1-6 सब सरकारी पद पर, कुछ पदस्थापित है और कुछ अवकाश प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे धन्यवाद व्यक्ति को मैं बार बार नमन करता हूँ। धन्यवाद। बुलाना चाहूँगा वो भी आए, दो बात अपने रखें। तालियां बजाएं। उनसे रिटायर किए हैं और ये और हमारी सासू माँ एक ही साथ ज्वाइन किए थे और ये उनकी बड़ी बहन है। कुछ है कि नहीं, मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि वो दो बातें रखें। सबसे पहले मैं आदरणीय पिताजी को प्रणाम करना चाहती हूँ और प्रणाम करती हूँ और सब दिन मैं करते आई हूँ और उन्हीं के आशीर्वाद से आज मिर्जा के सामने उपस्थित है और एक ब्लॉक एजुकेशन अफसर के रूप में सेवानिवृत्त हुई और एक यशस्वी अफसर बनकर निवृत्त हुई है जिसका वीडियो इन्होंने देखा। और आए हुए सब दिन हमारे जितने भी साथी हैं और जो भी रिश्तेदार सबको मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे यहाँ बुलाया गया और इस परिवार को मैंने जब से देखा तब से कभी मैंने रिश्तों का अहमियत नहीं दी, मुझे लगा ही नहीं कि यह मेरा परिवार नहीं है। आज तक मैं इस बात को निभाते आ रही हूँ और आज भी मुझे बोलने तक का मौका दिया गया मेरे परिवार जन के साथ में, इसके लिए मैं इस परिवार का सदैव आभारी रहूँगी। जिंदगी हमारा शादी से पहले कुछ नहीं था, उनके आशीर्वाद के शादी के बाद मतलब जीरो बैलेंस से अभी बहुत कुछ बन चुका है। दादा जी का बहुत बहुत आशीर्वाद है और मैं अपनी जन्मदिन के बारे में बोलूंगा, इनका भी बहुत बड़ा रोल है हमारे लाइफ में। जीरो बैलेंस
नेगेटिव से ना जीरो सबसे पहले हमारे बड़े पूछे दादाजी को चरण कमलों में सादर प्रणाम। यहाँ उपस्थित हमारे बड़े पापा पापा छोटे पापा चाचा जी बुआ जी चाची जी सबको सादर प्रणाम। मेरा सभी भाई लोग को प्रणाम। रितेश सबसे पहले तो रितेश को सबसे क्या जितना प्रोग्राम का अरेंजमेंट है सब रितेश की वजह से इतना किया है जो दुर्गेश को जो बोल के नहीं आए सबसे जैसे हम कपड़े साफ करते हैं सबको यहाँ पे हम मिस कर रहे हैं अपनी लड़की को जिसको होना बहुत जरूरी था अपने तीनों छोटी छोटी बुआ लोग को। और आज का दिन बहुत ही हम लोग के लिए खुशी का है। 90 ईयर्स हो चुका है अब हम लोग सर्जरी का वेट कर रहे हैं। ये सेकंड प्रोग्राम है बहुत हम लोग मतलब अचानक से हुआ हाँ ना ठंड ऐसा था कि आज तो धूप हुआ तो लगा कि हाँ चलो आज कोई ना कोई आएगा। सब तो हम लोग ठंड से ही डर रहे थे लेकिन चलो प्रोग्राम हो गया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। दो बातें हम लोग को आशीर्वाद के रूप में दे सभी उपस्थित बच्चों बच्चियाँ आज बहुत खुशी हो रही है ये हमारे बाग के सभी फूल खिले हुए और इन फूलों को देखिए ये सब बहुत ही कर्मठ है। मैं अपने मित्र डॉक्टर बीपी गुप्ता को बहुत धन्यवाद दूंगा और सभी उपस्थित व्यक्तियों को बहुत आशीर्वाद दूंगा। मेरे तीन बच्चे छोटे छोटे बच्चे परदत्नी है परदासी है ठंडा के कारण मैं उसको रोक दिया जैसे उसमें से एक पोथी आई है अब दूसरी पोथी नहीं आ सकी बहुत ठंडक है। मैं इन सबों को हार्दिक आशीर्वाद देता हूँ। हमारे वे सभी जो मेरे प्रति सद्भावना व्यक्त करने के लिए तैयार थे मैं देख रहा हूँ उनमें से भी कुछ नहीं जा सकी उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आशीर्वाद देता हूँ। जो जहाँ भी है फूले फले बड़े हों यत्र नारदेव पूज्यन्ते रवन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रहते हैं। इसलिए सभी मनुष्य को चाहिए कि अपने बाल बच्चे को अपनी बच्चियों को खूब पढ़ावे जितना हो सके पढ़ावे। हमारे पास बहुत सारा उदाहरण है कि बच्चियां पढ़ करके बहुत आगे बढ़ गई है। एक हमारे स्वजन थे कायस्थ थे भगवान की कृपा से उनकी बच्ची कम उम्र में विधवा हो गई। मोतिहारी की कहानी है मैं मोतिहारी में था मैंने उनको राय दी कि आप इसको पढ़ा के आगे बढ़ाइए। अब भगवान की कृपा से वह बच्ची स्कूल इंस्पेक्टर हो गई अपने पैर पर खड़ी हो गई और बहुत अच्छा जीवन यापन कर ली। जो भी बच्चे बच्ची पढ़ेंगे वो आगे बढ़ेंगे। और मैं तो यह भी देख रहा हूँ अभी बरखा रानी जो जिस रितेश कुमार के बारे में बोली यही रितेश कुमार है। ये सुबह से लेकर शाम तक रात तक हमारी सेवा करता है पूरे घर की सेवा करता है सब कुछ देखता है। अभी जो कार्यक्रम है उसका सारा भार इसी पर था। ऐसा कर्मठ लोग होगा वो आगे बढ़े। आप सभी सकुशल रहे खुश रहे यही मेरी हार्दिक इच्छा है। भगवान कृष्ण भगवान राम सब आपको खुश रखे आप लोग सब आनंद से रहिए ये मेरी शुभकामना है। भाषण का कार्यक्रम तो समाप्त हो गया था। सभी लोग अपना अपना दो शब्द कह रहे थे अपना जो भी विचार था सभी लोग व्यक्त कर रहे थे। माँ भी आई थी उसमें और उसके बाद जो है अब केक कटिंग का कार्यक्रम शुरू होगा तो काफी अच्छा लगा है जी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. केक तो कट गया जी बारी है नाना जी को उनका गिफ्ट देने की। मम्मी जा रही है अपने हाथों से नाना जी के लिए मतलब लिए। अरे एक के साथ में सब हो जाएगा।
हाँ मुलाकात किए थे तो केक कटिंग का तो कार्यक्रम हो गया जी। नाना जी को उनका तो गिफ्ट भी दे दिया और अब बारी है पेट पूजा की। यहाँ पर सभी लोग बैठ रहे हैं, टेबल भी लग चुका है। हमारा भोजन पानी तो हो गया जी और यहाँ पर सभी से मिल रहे हैं। इतनी बड़ी सौभाग्य है हम हमेशा इनके यहाँ कोई फंक्शन होता है तो मैं यहाँ आ जाती हूँ। तो मैं तो वहाँ भी कह चुकी हूँ, यहाँ मैंने रिश्ता काम नहीं दिया, यहाँ मुझे लगता ही नहीं है कि मेरा परिवार है कि। अच्छा होता है, ठीक है ठीक है। साथ में तीनों भाई बहन पढ़ा है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। और सब एक साथ रह गया, एक ही साथ, भगवान की ऐसी कृपा है, बहन नहीं हुई वही बहन है। अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वर्षा के भाग से हमको बेटी नहीं।